आपको बता दें कि पंडित हनुमान मिश्रा जी ज्योतिषीय गणना के आधार के ऊपर बता रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत मिलने के आसार बहुत हैं। तो हनुमान जी किस आधार के ऊपर बता रहे हैं और आपकी ज्योतिषीय जो भविष्यवाणी है वो क्या इंडिकेट कर रही है, किस ओर इशारा कर रही है? बिल्कुल, दरअसल ये गणना एक एक व्यक्ति या एक एक उम्मीदवार को ध्यान में रखकर की गई है। ये एक ऐसा आकलन नहीं है कि कहाँ कौन जीत रहा है, कितने प्रतिशत वोट पड़ा है, इसके आधार पर नहीं, बल्कि उसका क्या नाम है, उसकी वास्तविक कुंडली जहाँ जहाँ मिली है वहाँ पर जो हमारा फल कथन है उसके सटीक होने की उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं या बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी वास्तविक कुंडली नहीं मिली है, ऐसे में हमने नाम का सहारा लिया है, यानी किसका क्या नाम है, उसके अगेंस्ट जो लड़ रहा है उसका क्या नाम है। कई जगह ऐसी भी हुई हैं जहां दोनों का नामाक्षर एक ही है, ऐसी स्थिति में हमने प्रश्न कुंडली का सहारा लिया है और इन सब विधाओं के निचोड़ के माध्यम से जो फल कथन सामने आया है उसको ध्यान में रखकर हमने ये नतीजा निकाला है। क्या मोदी के नेतृत्व में सरकार बना पाएगी बीजेपी, ऐसी स्थिति बन पाएगी? जी बिल्कुल, इसकी उम्मीद तो है, लेकिन एक चीज़ बता दें कि मोदी की जो दशाएं हैं चंद्रमा में राहु में शुक्र की हैं और जिस दिन से शुक्र की दशा उन पर प्रभावी हुई है उस दिन से वो कहीं ना कहीं स्त्रियों से जो उनके विवाद सामने आ रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जैसे कि पत्नी को लेकर उनके संबंधों पर बात उठी, इसके अलावा जयललिता जी से भी उनके कभी विचारों में कुछ ना कुछ उठापटक देखी गई, ममता जी को लेकर काफ़ी नोक झोंक हुई और इसके साथ ही साथ प्रियंका जी से भी उनकी काफ़ी, भले ही सामने नोक झोंक नहीं हुई लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रत्युत्तर का दौर जारी रहा। तो शुक्र की जो ये दशा है और शुक्र का जो प्रभाव है उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्त्री आगे भी, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं कि सुषमा जी नाराज चल रही हैं, कोई स्त्री आगे भी इनके रास्ते में रोड़ा अटका सकती है और कोई स्त्री ही इनको आगे बढ़ा सकती है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी स्त्री का आशीर्वाद इन्हें मिल जाता है तो ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और फिर से कहना चाहूंगा कि सरकार मुझे भी बीजेपी की ही बनती नजर आ रही है। ये बात तो निरंतर आप दोनों ही पंडित कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन यहाँ पर एक और बात, जब बात ये उठ रही है कि बीजेपी की सरकार बननी निश्चित है, आप भी दोनों पंडित बोल रहे हैं और तनुश्री ने भी यही प्रिडिक्शन किया है, ऐसे में एक सवाल और उठता है, आखिर यूपीए क्यों नहीं, दूसरी बार तीसरी बार अगर हम कहें तो यूपीए क्यों नहीं आ सकती, इस तरफ क्या इंडिकेशन है, क्या नेगेटिविटी दिखाई देती है पंडित हनुमान जी? जी देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो जो कांग्रेस की कुंडली है उसमें वर्तमान दशाएं और गोचर उसके लिए बहुत अनुकूल नहीं है, और दूसरा ज्योतिष का सबसे प्रमुख एक सूत्र है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार भविष्यवाणी करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड में पैदा होता है तो उसके लग्न पर शनि राहु दोनों बैठे तो भी वो काला नहीं होगा, वहीं अगर वेस्ट इंडीज में पैदा हुआ है उसके लग्न पर शुक्र चंद्रमा दोनों हों तो भी वो गोरा नहीं होगा। तो वैसे ही देश काल परिस्थिति के अनुसार भविष्यवाणी करनी चाहिए। तो दशाएं और गोचर तो प्रतिकूल हैं ही कांग्रेस का, और क्योंकि कांग्रेस से जितने दल जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी भले ही इंडिविजुअल कुंडली बहुत अच्छी हो लेकिन जिससे हम जुड़ रहे हैं उसकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, और ऐसा हम सूंघ भी सकते हैं, ऐसा हम अनुभव भी कर सकते हैं। तो इन सबको मिलाकर जो परिणाम सामने आ रहा है तो यही आ रहा है कि यूपीए की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। जो दल उनसे जुड़ रहे हैं, बल्कि वो अकेले अगर लड़ते तो शायद और भी अच्छा करते, लेकिन यूपीए के साथ जुड़कर या कांग्रेस के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा अहित होता नजर आ रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि जो बीजेपी है उसके जो ग्रह और दशा है वो बहुत फेवर में नजर आ रहा है, ऐसे में बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स भी हैं जिनके ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन जो एक संगठन एकजुट होकर काम करता है क्या ये कर पाएगा संगठन, क्योंकि हमेशा से बीजेपी में अंदरूनी कलह बहुत हावी रही है? देखिए, कलह तो मुख्यतः दोनों पार्टियों में ही है, क्योंकि ये कांग्रेस की भी दुष्भाव लग्न है और बीजेपी की दुष्भाव लग्न है। तो जो कांग्रेस की कलह है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्मों के द्वारा सामने आती है, जैसे किसी नेता की कुछ बुराई सामने आ गई या किसी ने कुछ ऐसा कहा, किसी का घोटाला सामने आ गया, लेकिन जो बीजेपी के इनके वाद विवाद मौखिक बातचीत या किसी पर कोई किया गया कोई कमेंट रूठना मनाना, क्योंकि बुध का ज़्यादा प्रभाव बीजेपी पर है, तो बुध है क्या, राजकुमार है, बच्चा है, और बच्चे अक्सर रूठते हैं। तो बीजेपी के निसंदेह बुध विद्वत ग्रह है, विद्वान ग्रह है, बुद्धिमान बनाता है, तो इनके नेता बुद्धिमान हैं, बड़े अच्छे वाकपटु हैं, लेकिन क्योंकि बुध का प्रभाव के कारण कभी कभी लड़कपन की स्थितियां भी, बुजुर्ग होते हुए भी, परिपक्व होते हुए भी, नेता हों या नेत्रियां हों,
कहीं ना कहीं इनके अंदर कई बार बचपना दिखता है। और जैसा कि आप आडवाणी जी को ले लें, सुषमा जी को ले लें, कई कई बार देखिए इतने वरिष्ठ होते हुए भी कहीं ना कहीं इनकी जो रूठने मनाने की बातें हैं वो कहीं कहीं बचपना साबित कर देती हैं, क्योंकि ये बुध के कारण है। इनमें नेताओं का दोष नहीं बल्कि बुध के प्रभाव के कारण ये सब होता है। बिल्कुल, ये आपका एक प्रेडिक्शन है। और आखिर ये क्यों हावी होता है और क्यों आपसी कलह देखने को मिलता है? निश्चित तौर पर क्योंकि बीजेपी जो है मोदी के अगर हम देखें तो नेतृत्व के अंदर चुनावी मैदान में उतरी और अब यही माना जा रहा है कि मोदी का ही नेतृत्व जो है हावी रहेगा। तो एज अ नेता और एक पूरे संगठन को संभालने की जो जिम्मेदारी उन पर होगी उसमें वो कितने सफल होंगे, कितने फेल होंगे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम जिया न्यूज पर लेके आए हैं एस्ट्रोपोल, जिसके जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र और टैरो ये इंडिकेशन कर रहा है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है, हमारे साथ पंडित हनुमान शास्त्री जी मौजूद है, पंडित राहुल जी और तनुश्री भी हमारे साथ टैरो रीडर मौजूद है। हम जिस तरह से चर्चा कर रहे थे पंडित हनुमान जी की तमाम जो इंडिकेशन है कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच जाएगी, लेकिन एक बड़ा सवाल जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे उठता है कि एज अ लीडर मोदी कैसे साबित होंगे, क्या संगठन को एकजुट करने में वो कामयाब हो पाएंगे? और निरंतर जो उनके संगठन से ही उनके विरोध में सवाल उठते रहे हैं, आवाजें उठती रही हैं, उससे पार पाएंगे वो? बिल्कुल, देखिए दशाओं के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव बदलता है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के मोदी, निसंदेह उनके अंदर एक कड़कपना है, क्योंकि मंगल जो है ना वो सेनापति है, लीडर है, और सेनापति अगर हर मामले में बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो शायद उनकी सेना के लोग रोज़ छुट्टी लेकर घर जाते रहेंगे और सेना अपने दुश्मनों को पराजित नहीं कर पाएगी। इसलिए कड़कपन उनका जो है वो नकारात्मक नहीं सकारात्मक है। हाँ, क्योंकि कुछ मामलों में चंद्रमा नीच का है तो अपयश भी मिलना उनके भाग्य में लिखा हुआ है, तो कुछ मामलों में हो सकता है कि ऐसा हो कि लोग उन पर तोहमत लगाएं, अपयश लगाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन मंगल सेनापति है और उसको सेना को लेकर चलना बखूबी आता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी दशाएं भी उनकी, क्योंकि महादशा चंद्रमा की है, थोड़ा सा पोलाइट भी हुए हैं वो और कहीं ना कहीं चंद्रमा माँ है, उनके अंदर एक ममता जागी है, एक मुलायमपना जागा है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हुए हैं और उनके कड़कपन आज भी उनके अंदर मौजूद है, लेकिन जो बाहर आ रहा है वो मुलायमपना आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है इन दोनों के सामंजस्य से वो एक उनमें एक अच्छी नेतृत्व की क्षमता वर्तमान में है और आगे लेकर अपने समूह को, अपने गठबंधन को और अपनी सरकार को वो आगे लेकर जा सकते हैं, अच्छा कर दिखाएंगे, इस पर भी मुझे पूर्ण विश्वास है। जी जी, पंडित हनुमान जी, जिस तरह से लगातार मोदी के ऊपर ही चर्चा हो रही है, तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि भारत के लिए, देश के लिए आखिर मोदी एज अ प्रधानमंत्री अगर हम उन्हें देखें तो क्या अच्छे साबित हो पाएंगे? निसंदेह, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मंगल के प्रभाव के कारण उनमें कहीं ना कहीं एक ऐसा लक्षण है या उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि थोड़ा सा कुछ लोग डरे। मंगल सेना बनाता है, सेना में ले जाता है, मंगल पुलिस में ले जाता है, तो मंगल क्योंकि पुलिस में ले जाता है, पुलिस से आमतौर पर चोरों को डर लगता है। अब ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे पुलिस वाले भी हैं जिनके नकारात्मक ग्रहों के कारण या सिफारिश के कारण या एक विशेष सुविधा जो सरकार देती है किसी कारण से, अनुकंपा नियुक्ति इत्यादि के माध्यम से अगर वो कहीं पहुंच गए हैं, सरकार पुलिस में भर्ती हो गए हैं, इसके कारण वो कभी कभी पुलिस और चोरों में सांठगांठ भी हो जाती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अच्छा पुलिस वाला, अच्छा सेनापति जो है वो कहीं ना कहीं अपनी सेना को उचित मुकाम तक ले जाता है और उसे जो उसका लक्ष्य होता है वह उसको प्राप्त करके रहता है। अभी दशा चंद्रमा की चल रही है, मैं मानता हूं कि इनके रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आएंगी। रास्ता इतना आसान नहीं है कि ऐसा लोगों को लगे कि मोदी ने जितने वादे किए हैं वो अपने वादों को उतना बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं, ऐसे इल्जाम इन पर लग सकते हैं। लेकिन इसमें मैं मोदी को दोष नहीं दूंगा, दशाएं ऐसी हैं कि उन पर ऐसे इल्जाम लगे, तो कई सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेगी मोदी को अपने कार्यकाल में, आपका कहने का मतलब ये है जी। इससे पहले कि इजाजत ली जाए, आपसे आग्रह है कि हमारे ऑफिशियल चैनल विप्रांजलि टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अगर मुझसे अंक ज्योतिष या ज्योतिष संबंधित कोई भी सलाह चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फोन करके सशुल्क परामर्श आप ले सकते हैं। ध्यान रहे कि सशुल्क मतलब कि आप पहले फीस जमा कराइए, तब आपको एक समय दिया जाएगा
उस समय पर आप फोन करिए और उचित सलाह पाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। नमस्कार। We'll be right back.